भगवान की लाद नृसिंहदेव भगवान की तंत्रा श्रीमद् भागवत महापुराण की जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की हरे कृष्णा। इसको निकालना है, एक रखो ना, अब हमेशा एक कंफ्यूज रहते हैं, एक ही रखिए ना, जो खराब उसको फेंक दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमा देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमः श्लोके भक्तिर्भवती निष्ठकी। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंद एक अध्याय नौ, श्लोक संख्या कितना है? नौ। शब्दों का परिचय इस प्रकार से है, तान समेतान महाभागा उपलभ्य वसुत्तम। तान समेतान महाभागा, जैसे अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे भी ना तो दोहरा सकते हो, मतलब इन दिस वे आवर मेमोरी गेट्स रिजुविनेटेड, है ना। अब क्योंकि बहुत लंबा श्लोक थोड़े होता है, अपन एक तीन ही, दो या तीन ही अच्छा रहता है। सो कैंट वी रिपीट जस्ट बाय हियरिंग टू और थ्री, है ना। सो ऐसे तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमा पूजयामास धर्मज्ञो देशकाल विभागवीत। तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमा पूजयामास धर्मज्ञो देशकाल विभागवीत। तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमा पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवीत। तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमा पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवीत। पढ़िए। तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो।
हाँ, तो शब्दों का अर्थ अनुवाद और तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की आठ वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्म देव ने वहाँ पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्म देव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। मेरे पीछे दोहराएंगे, आठ वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्म देव ने वहाँ पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्म देव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। तात्पर्य ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। पटु धर्मज्ञ भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार देश काल के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों को समंजित करना चाहिए। समंजित करने का मतलब क्या है? क्या हाँ है ना, किस प्रकार उसको मतलब देश और काल के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। हाँ, सारे महान आचार्यों अथवा धर्म उपदेशकों अथवा विश्व के सुधारकों ने देश काल के अनुसार धार्मिक नियमों को समंजित करके ही अपने उद्देश्य को पूरा किया। ठीक है, तो तीन लोगों का है, महान आचार्यों ने, है ना, और दूसरा धर्म के उपदेशकों ने, एंड इवन इफ ही इज अ सोशल रिफॉर्मर, विश्व के सुधारकों ने, तो वो उधर का परिस्थिति देश और काल के अनुसार जो है वो नियमों को एडजस्ट करके, ऐसा क्यों बोल रहे हैं बार बार समंजित करने के लिए? क्योंकि नियम हर चीज के लिए मिलेंगे। इफ यू वांट टू ईट मीट, शास्त्रों में इंस्ट्रक्शन है, समझ गया ना। अगर आप जो है वो शराब पीना चाहते हैं तो इंस्ट्रक्शन है, यू कैन परफॉर्म कौन सा यज्ञ, सोम यज्ञ, ऐसा कुछ होता है ना प्रभु जी, है ना, उसके द्वारा आप जो है वो सूर्य का पान कर सकते हैं, समझे ना। इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं, है ना, तो वही बता रहे हैं कि इन्होंने देश काल के अनुसार जो है वो नियमों को एडजस्ट करके, है ना, और अपने उद्देश्य को पूरा किया। कि डिपेंड करता है पर्पस क्या है, आप समझ गए ना। तो जस्ट लाइक श्रीला प्रभुपाद, ही वॉन्टेड टू स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो चार नियम थे, है ना, जो कि विच इज द वी कैन से कि पिलर ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, है ना, तो चार नियमों से प्रभुपाद ने कोई समझौता नहीं किया, आप समझ गए ना। सो जो आचार्य होते वो जानते कि क्या चीज़ एडजस्ट करना है, क्या चीज़ एडजस्ट नहीं करना है। लेकिन हाँ, अगर आपको धर्म उपदेशक बनना है या इवन विश्व सुधारक भी बनना है तो आपको इसके बारे में थोड़ा पता रहना चाहिए। विश्व के विभिन्न भागों में तरह तरह की जलवायु तथा परिस्थितियां हैं, और यदि किसी को भगवान का संदेश का उपदेश करना है तो उसे देश काल के अनुसार बातें संबंधित करने में पटु होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है वो किताबी चीज़ें नहीं चलेंगी, कहने का मतलब है ना, यू मस्ट नो एक्सपर्ट, क्योंकि शास्त्रों में हर तरह के उपदेश, असंख्य है ना, तो आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं। आप मेरे को कोई एविडेंस दे सकते हैं जहाँ पे प्रभुपाद ने कुछ कुछ चीज़ों को एडजस्ट किया हो?
कई सारी चीजें हैं जो कि है ना, आप लोग कुछ ऐसा जानते हो तो। यस यस हाँ, अफंग है ना इस तरह से। और भी कुछ बता सकते हैं क्या कोई प्रभु? हाँ, जनरली जो है वो वीमेंस दे आर नॉट अलाउड, बट प्रभुपाद ने जो है वो ब्राह्मण इनिशिएशन दिया और अच्छा विग्रह का जो है वो है कि नहीं सेवा, या फिर आज भी है ना इस्कॉन में जब बहुत सारे सेंटर्स हैं, टेम्पल्स हैं है ना, और बहुत सारी जगह हैं वहाँ पे, बहुत अलग अलग प्रकार की परिस्थितियाँ हैं कि नहीं, तो उस हिसाब से जो है वो कहने का मतलब कि वहाँ पे एडजस्ट करके सेवा किया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि पटु होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, अदरवाइज अगर भगवान का संदेश को उपदेश करना है तो उसे देश काल के अनुसार बातें करने में सब पटु होना चाहिए। भीष्म देव इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश करने वाले 12 महाजनों में से एक थे, अतः वे ब्रह्मांड के कोने कोने से आए हुए शक्तिशाली ऋषियों का स्वागत तथा सम्मान अपनी मृत्यु शैया पर पड़े पड़े कर सकते थे। निसंदेह वे उनका उस समय उनका स्वागत सम्मान स्वयं उठकर कर पाने में असमर्थ थे, क्योंकि उस समय वे न तो घर पर थे न ही समान रूप से स्वस्थ अवस्था में थे, लेकिन वे अपने मस्तिष्क को सुचारू रूप से कार्य करने से बिल्कुल चुस्त थे और वे हार्दिक मृदु वचन बोल सके। बट यद्यपि भीष्मदेव जो है वो कहने का मतलब कि शरीरी रूप से जो है वो उनको पूरा शरीर में बेद दिया गया था बाणों से, लेकिन वो उनका दिमाग से वो कमजोर नहीं थे, समझ गए ना, मानसिक रूप से पीड़ित नहीं थे, समझ गए ना, ही वाज मेंटली वेरी फ्रेश, आपको कहना ना चुस्त थे है ना, और दैट इज वाई ही कुड स्पीक है ना स्वीट वर्ड्स। अदरवाइज क्या है, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए वास्तव में वो पीड़ा महसूस कर रहे होते, शारीरिक पीड़ा हो या किसी भी मानसिक पीड़ा है ना, तो व्यक्ति उस तरह से जो है वो मृदु वचन नहीं बोल सकता है। दैट अगर हम अपने शरीर और मन से बहुत आसक्त हैं तो दैट थिंग इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन आवर वर्ड्स, आपको वचन में वैसा ही निकलेगा है कि नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति उससे डिटैच्ड है, ही कैन स्पीक डिफरेंट जस्ट लाइक वी कैन सी भीष्मदेव है कि नहीं, तो ऐसा तो नहीं कि उनको पीड़ा नहीं होगी, शारीरिक रूप से तो पीड़ा होगी है कि नहीं, अपना एक पिन चुभता है तो इतना पीड़ा होता है, सो ही गॉट मैंने इतने। और इस युद्ध में जो है उन्होंने इतने सारे लोगों को गिरते देखा है ना, सो बड़े बड़े लोग है कि नहीं, आचार्य द्रोणाचार्य है ना, उनके प्रिय लोग रहे होंगे इतने सारे है कि नहीं, पांडव की तरफ से कितने लोग मारे गए है कि नहीं, ये सब कुछ उन्होंने देखा, उनको रिपोर्ट भी मिलता रहा होगा है कि नहीं, आई डोंट नो एग्जैक्ट डिटेल्स बट है कि नहीं, तो ऐसा नहीं कि मानसिक रूप से भी उनको कहीं ना कहीं कष्ट होगा, बट बिकॉज ही वॉज द सेल्फ रियलाइज्ड सोल ऑफ 12 महाजनों में से एक थे, तो वो मन और शरीर का स्थिति से ऊपर थे, इसीलिए एट प्रेजेंट उन्होंने क्या किया, जब वो लोग ऋषि लोग आए तो उन्होंने उनका सत्कार किया। बहुत अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं, हार्दिक मृदु वचन बोल सके, इसीलिए सभी आगंतुकों का ठीक से सत्कार हो पाया, मनुष्य मन से वाणी से तथा कर्म से अपना कर्तव्य पूरा कर सकता है। वे भली भांति जानते थे कि उनका किस तरह समुचित स्थान पर उपयोग करना चाहिए, अतएव शारीरिक रूप से असमर्थ होने पर भी उन्हें लोगों का सत्कार करने में कठिनाई नहीं हुई। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्र जातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितां।
कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशमस्तुते तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कल्पतरु च दानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। तो यहाँ पे जो आज इसके पहले जो एक्चुअली ये जो अध्याय है कि भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग, तो इसके पहले जो प्रसंग आए हैं उसमें आप लोगों ने देख लिया पढ़ लिया है कि बहुत ही अन्य अन्य जगहों से जो है वो बहुत ही क्वालिफाइड लोग उधर आए हैं। क्यों? बिकॉज अ वेरी क्यों आए हैं क्यों संकीर्तन प्रभु क्यों आए हैं क्योंकि एक बहुत ही एलिवेटेड सोल ही इज़ गोइंग टू डिपार्ट, और दूसरा कि ही इज़ गोइंग टू डिपार्ट है कि नहीं, और दूसरा एक उनको ये भी है कि हो सकता है यहाँ पे भीष्मदेव उपदेश भी देंगे, बिकॉज उनको उनको पता तो रहता ही है कि नहीं, कभी कभी क्या होने वाला है ना। तो खास करके उस उपदेश को सुनने के लिए, बिकॉज ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन ना, 12 महाजन में से एक है कि नहीं, तो इसलिए जो है वो उसके लिए वहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए हैं और वहाँ पे सभी लोगों को जो है वो उन्होंने स्वागत किया है ना। कोई कह स्वागत करना जरूरी है क्या, विष्णुदेव तो जमीन पे लेटे हुए थे है कि नहीं, बट ही कैन वेलकम है ना, क्योंकि वो जानते हैं कि किस परिस्थिति में किस कार्य को कैसे किया जाता है ना। क्योंकि भीष्मदेव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। तो खास करके प्रभुपाद इसमें प्रचार को पता नहीं मतलब ये वो कर रहे हैं ना, कि जिस प्रकार से मतलब भीष्मदेव ने मतलब अपने वाणी से वहाँ पे लोगों का वेलकम किया है कि नहीं, मानी से और मन से है ना। तो उसी प्रकार से अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह के कार्य किए जाते हैं है कि नहीं, और खास करके धार्मिक सिद्धांतों को संबंधित करने की बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक सिद्धांत बहुत तरह के दिए गए हैं, आप समझे ना, इसीलिए जो है हमको इस्कॉन में जो है एक सिस्टमेटिक एजुकेशन, प्रभुपाद बोले हैं ना कि हमको जो है वो एक सिस्टमेटिक एजुकेशन प्राप्त करना चाहिए। जस्ट लाइक प्रभुपाद का बुक्स को जो है वो अलग अलग बुक्स का एक वो बनाया गया है आप कह सकते हो है ना, और से कोर्सेज हैं जस्ट लाइक भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव है ना, ये सब कोर्सेज हैं। बट इसमें एक चीज़ ये जो है बताई गई है कि बिना इन धार्मिक नियमों को एडजस्ट किए हुए है ना, कोई भी व्यक्ति अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता है। उसके अगर उसको भगवान के संदेश का उपदेश करना है तो देश काल के अनुसार ही बात करने में एक्सपर्ट होना चाहिए है कि नहीं। तो क्यों? क्योंकि अभी बहुत सारा, जैसे अगर आप प्रचार करोगे तो दे आर सो मेन चैलेंजेस, जस्ट लाइक वी गो जगदलपुर है ना, तो वहाँ पे क्या चैलेंज है कि वहाँ पे क्रिश्चियन लोग जो है वो अपना प्रचार कर रहे हैं, आप समझ गए ना। सो और इस तरह से उसी तरह से कुछ एरिया ऐसे हैं है कि नहीं जहाँ पे मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ इस्कॉन में ही जो है वो जैसे कुछ अलग अलग लोग जो हैं वो जो कि इस्कॉन को डायरेक्टली फॉलो, जैसे हम बिलाई में जाते हैं वहाँ अच्छे पात्र हैं, आप समझ गए ना, तो वहाँ का सिचुएशन अलग है, आप समझ गए ना। और तो इन सारी चीज़ों को खास करके जैसे इस कहने का मतलब कि अगर आप प्रचार करना चाहते हो तो आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। सो अनलेस यू टेक गाइडेंस ऑफ सम अदर एक्सपर्ट
है ना, जो व्यक्ति कर रहा है विभिन्न परिस्थितियों में प्रचार, अगर आप उसका सहायता नहीं लोगे, उसे सीखोगे नहीं, वहाँ की परिस्थितियों को समझोगे नहीं, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये कहने का मतलब है ना। सो हमने देखा है इवन सो कई सारे जगहों पे कि जो है वहाँ की परिस्थिति को न समझने के कारण कई सारे भक्त लोग जो हैं वो टूट जाते हैं, फिर वो वृंदावन भग जाते हैं, राधा कुंड भग जाते हैं, गौड़िया मठ में चले जाते हैं, है कि नहीं, क्योंकि शास्त्रों का सिद्धांत को समझना इतना वो नहीं है, है ना, और व्यवहारिक जीवन में। इसीलिए आप देखो इट्स अ वेरी, ये एक सीखने का चीज़ है, सिंपल सी बात है ना, ये सीखने का चीज़ है कि कोई व्यक्ति अगर कर रहा है, वो इज एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, आप उससे सीखना पड़ेगा, है ना, आपको उससे सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो है मैं सारा चीज़ पुस्तक में पढ़ लूँगा, है कि नहीं, अगर आपको वो चीज़ करना है, जैसे प्रचार करना है, तो प्रचार करने के लिए जो व्यक्ति एक्सपर्ट है वो सीखने की बात, अगर कोई आपको अच्छा विग्रह का सेवा करना है तो उसमें जो व्यक्ति एक्सपर्ट है आपको उसे सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अपने हिसाब से कर लोगे, है ना, अलग 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 जगहों पर अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, कृष्णम च तद् प्रभावज्ञ आशीनम जगदीश्वरम हृदयस्थम पूजयामासा माययोपात विग्रहम। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन हैं, तो भी वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान साक्षात भीष्म देव के समक्ष बैठे हुए थे, और चूंकि भीष्म देव उनकी महिमा से परिचित थे, अतः उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। तो अपार्ट फ्रॉम, है ना, वो तो पहले उन्होंने किसका वो किया, जो है वो सारे ऋषियों का किया, उसके बाद जो है वो उन्होंने भगवान की भी विधिवत पूजा की। तो ऐसा क्यों उन्होंने किया, भगवान को पहले पूजा कर देना चाहिए था, ऐसा क्यों किया उन्होंने? एक्चुअली उन्होंने भगवान की ही पूजा की है ना, बट विधिवत पूजा की, विधि से पूजा की, समझ गए ना। जस्ट लाइक इफ यू गो टू रीड चैतन्य चरितामृत, सो चैतन्य चरितामृत में सिद्धांत को समझाया गया है ना, ग्रंथेरा आरंभ करी मंगलाचरण, है ना, गुरु वैष्णव भगवान तिनेरा स्मरण, है ना, कि जो है वो मंगलाचरण क्या होता है कि आध्यात्मिक गुरु, है ना, और वैष्णव और फिर भगवान, है कि नहीं, इस प्रकार से जो वो करते हैं। तो यह है भगवान की सर्वशक्तिमत्ता का प्रदर्शन प्रत्येक स्थान में उनकी उपस्थिति द्वारा होता है। वे अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन में सदैव उपस्थित रहते हैं, तो भी वे जन जन के हृदय में, यहाँ तक कि प्रत्येक अदृश्य परमाणु के भीतर भी स्थित रहते हैं। जब वे इस भौतिक जगत में अपने नित्य दिव्य रूप को व्यक्त करते हैं, तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से ऐसा करते हैं। बहिरंगा शक्ति या माया का इस नित्य रूप से कोई सरोकार नहीं होता। ये सारी बातें श्री भीष्म देव को ज्ञात थी, अतः उन्होंने तद अनुसार उनकी पूजा की, है ना। तो इससे ये पता चलता है कि उनको पता था कि वो जो कृष्ण है वो क्या है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और भगवान का जो रूप है वो क्या है, वो दिव्य रूप ही है। पास ही महाराज पांडु के सारे पुत्र शांत बैठे थे, और उन्हें अपने मरणासन पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। यह देखकर भीष्म देव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। उनके नेत्रों में आनंद अश्रु थे, क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से आप्लावित हो गए थे। तो भीष्म देव खुश थे, है ना। भीष्म देव क्यों खुश थे बताइए, बता रहे ना, भावपूर्ण बधाई दी। क्यों खुश थे भीष्म देव? क्योंकि यद्यपि भीष्म देव उनके अगेंस्ट लड़ रहे थे, बट भीष्म देव क्या चाहते थे कि पांडव लोग जीतें और युधिष्ठिर महाराज राजा बने, बिकॉज ही इज क्वालिफाइड टू रूल द किंगडम। यद्यपि भीष्म देव समहाउ वो बंधे हुए थे, उनका रोल अलग था, है कि नहीं, वो अपने वचन से बंधे हुए थे, है कि नहीं, तो वो दूसरे रोल में थे, समझ गया ना, युद्ध कर रहे थे, है कि उनके अगेंस्ट युद्ध कर रहे थे, बट उल्टा वो जीत गए तो क्या हुए, खुश हुए।
जब महाराज पांडु का निधन हुआ तो उनके सारे पुत्र छोटे बालक थे, अतः स्वाभाविक था कि वे राज परिवार के ज्येष्ठ जनों के विशेष रूप से भीष्म देव के लाड प्यार में पले बढ़े थे। बाद में जब पांडव बड़े हो गए तो धूर्त दुर्योधन तथा उसकी टोली द्वारा ठगे गए। यद्यपि भीष्म देव जानते थे कि पांडव निर्दोष थे और उन्हें व्यर्थ ही कष्ट दिए जा रहे थे, फिर भी राजनीतिक कारणों से वे पांडवों का पक्ष नहीं ले पा रहे थे। वही होता कि पॉलिटिकल सिचुएशन डिफरेंट था वहाँ का जो है ना, बट वो चाहते क्या थे कि नहीं, युधिष्ठिर महाराज ही शासन करें। अपने अंतिम समय में जब भीष्मदेव ने महाराज युधिष्ठिर समेत अनेक अपने यशस्वी पुत्रों को अपने बगल में बैठे देखा तो महायोद्धा पितामह अपने प्रेमाश्रुओं को रोक न सके, उनकी आंखों से अश्रु स्वतः ही छलछला रहे थे। उन्होंने अपने अत्यंत पवित्र पौत्रों द्वारा भोगे गए महान कष्टों का स्मरण किया। निश्चय ही वे सर्वाधिक संतुष्ट व्यक्ति थे, क्योंकि दुर्योधन के स्थान पर युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठने जा रहे थे, इसलिए उन्होंने सबको बधाई दी। है ना, ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? एनीथिंग टू डिस्कस, है ना। सो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें ना सामने से जैसी दिखती हो ना वो वैसी ही हो ना। हो सकता है कि जस्ट लाइक श्री चैतन्य महाप्रभु है ना, वो उन्होंने नित्यानंद प्रभु को क्या उपदेश दिया था कि आप मुझसे मिलने मत आना, है ना। उन्होंने मना किया था कि आप मुझसे मिलने मत आना, आप जाइए और आप प्रचार कीजिए, है कि नहीं। बट नित्यानंद प्रभु जब आते थे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए तो चैतन्य महाप्रभु उनसे बोलते थे कि आप क्यों मिलने आए, हैं कि नहीं, और बाहर से ऐसा प्रतीत करते थे ही इज़ नॉट हैप्पी, है कि नहीं। बट वो अंदर ही अंदर क्या थे, बहुत प्रसन्न रहते थे, है ना। क्यों? क्योंकि सब देज भेरी, आप कह सकते कि बहुत ही उच्च कोटि का प्रेम है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के बीच में, तो अंदर ही अंदर वो प्रसन्न होते थे। उसी तरह से कभी भी एक्सटर्नल चीज़ को और इंटरनल चीज़ों को एक नहीं समझना चाहिए। जस्ट लाइक नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु का जो डंडा था उसको 3 टुकड़ा करके फेंक दिया तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही गुस्सा हुए, है कि नहीं। बट इंटरनली ही वॉज सेटिस्फाइड, है ना। क्यों? कि वो जानते थे कि जो है वो नित्यानंद प्रभु ने सही किया है कि नहीं। उसी तरह से हो सकता है कि आपको कई ऐसा कार्य करना पड़ जाए, है कि नहीं। वहाँ पर वो अगर आप उसके तात्पर्य में पढ़ेंगे तो उसमें प्रभुपाद बताते हैं, है ना, कि कई बार जो है कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसमें कि जो शिष्य जो है वो उसको गुरु का अगेंस्ट में जाना पड़ता है कि नहीं। बट हमको ये देखना है कि क्या इस कार्य से जो कार्य हो रहा है इसे गुरु वास्तव में प्रसन्न होंगे क्या, समझ गए ना। जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं इसे वास्तव में उनकी क्या इच्छा है कि नहीं, तो वास्तव में वो प्रसन्न होंगे क्या, है कि नहीं। एंड अब हमको कि अगर वो प्रसन्न है तो हम करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आगे इसमें पढ़ते हैं। भीष्मदेव ने कहा, इसका श्लोक बहुत सुंदर है, अहो कष्टम अहो न्यायम यदूयम धर्मनंदना जीवितुम नाहर्थक्लिष्टम विप्रधर्म अच्युताश्रया। दिस इज अ वेरी वंडरफुल श्लोका इन श्रीमद् भागवतम। इसको ना सबको याद करके रखना चाहिए, एकदम परफेक्ट है ये, समझ गया ना। इसमें मतलब ये एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। क्या कह रहे हैं? अहो कष्टम अहो न्यायम, कि कितना आपको कष्ट हुआ और कितना अन्याय हुआ आपके साथ, है ना। यदूयम धर्मनंदना, है ना, क्यों आपको कि आप लोग साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी आप लोगों ने कितना अन्याय सहा है, उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा नहीं थी, फिर भी ब्राह्मणों ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है, है ना। क्यों? क्योंकि वो हमेशा भगवान ईश्वर को फॉलो करते थे, कृष्ण को फॉलो करते थे, है ना, और वो ब्राह्मण संस्कृति और धर्म को जो है वो फॉलो करते थे। तात्पर्य
महाराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र युद्ध के महान नरसंहार से अत्यंत विचलित थे। भीष्मदेव यह समझ गए, इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम महाराज युधिष्ठिर की घोर विपत्तियों का उल्लेख किया। वे अन्याय के कारण ही इस कठिनाई में पड़े थे और कुरुक्षेत्र का युद्ध इसी अन्याय के विरोध में लड़ा गया था, है कि नहीं? कैसा नहीं कि अपनी सनक से लड़ा गया था, आप समझ गए ना? देयर इज अ हिस्ट्री। अगर कोई एकदम से देखेगा ना, अगर आप केवल बीच से देखो, कह रहे इधर इतना झगड़ा क्यों हुआ, इतने करोड़ों, कितने लोग मारे गए थे? 64 करोड़ लोग मारे गए थे, है ना? आप बैकग्राउंड आप मत देखो, आप बस ये देखो कि युद्ध हुआ, 64 करोड़ लोग मारे गए, कौन राजा बना? युधिष्ठिर महाराज, है कि नहीं? तो किसी को कि इतने लोग क्यों, है कि नहीं? लेकिन वो क्या बता रहे हैं कि उन्होंने पहले के विपत्तियों का घोर उल्लेख किया है ना, और वो उसका पीछे एक हिस्ट्री है जिसके लिए बहुत ही जरूरी हो गया था ये युद्ध करना। इसीलिए उन्हें इस घोर नरसंहार का शोक नहीं करना चाहिए था। पांडवों को विशेष तौर पर यह बताना चाह रहे थे कि वे लोग सदा ही ब्राह्मणों, भगवान और धर्म द्वारा रक्षित होते रहे, है कि नहीं? तो अतएव जब तक वे इन तीन महत्वपूर्ण साधनों के द्वारा सुरक्षित हैं, तब तक निराश होने का कोई प्रश्न नहीं है, है ना? इस प्रकार भीष्म देव ने महाराज को उनकी निराशा मिटाने के लिए प्रोत्साहित किया, है ना? तो इसमें क्या कहने का मतलब कि ब्राह्मण कम्युनिटी, जो ब्राह्मण लोग थे, वो हमेशा उनके पक्ष में थे, ऐसा नहीं कि दुर्योधन के पक्ष में थे, आप समझ गए ना? जैसे चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे द्रोणाचार्य हो या कृपाचार्य भी हो, आप समझ गए ना, और भी जितने भी जो पायस लोग थे, वो किसके पक्ष में थे? अर्जुन के पक्ष में थे, आप समझ गए ना? और धर्म कैसे युधिष्ठिर महाराज के पक्ष में था, बताइए? यस, कृष्णा के पक्ष में थे। और दूसरा कि उन्होंने अधर्म का कभी साथ ही नहीं दिया, व्हाट इज रिलीजन, उन्होंने वही किया, है कि नहीं? उन्होंने तो द्रुत कीटा में छल नहीं किया ना, उन्होंने तो किसी को मारने का प्रयास नहीं किया ना जला के, है कि नहीं? ये सब कार्य किसने किया? दुर्योधन एंड टीम ने, आप समझ गए ना? तो उन्होंने अधर्म का कोई मतलब, देखिए धर्म भी है अधर्म भी है, डिपेंडेंट कि हम किसका साथ चुनते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ बता रहे हैं कि धर्म के द्वारा रक्षित रहे, क्योंकि धर्म ने कभी जो है उनका साथ नहीं छोड़ा, ये कभी भी अधर्म के मार्ग पर गए ही नहीं, आप समझ गए? और ऑफ कोर्स भगवान के द्वारा भी जो है वो है, क्योंकि भगवान को इंटरफेयर करने के बिना ये सब हो ही नहीं सकता। कोई भी बड़ा कार्य आप करना चाहो तो भगवान को सपोर्ट किए बिना संभव ही नहीं है, कि नहीं? और यहाँ तो पर्सनली भगवान उनके साथ हैं, है कि नहीं? तो इस प्रकार से जो है वो तो निराश होने का कोई प्रश्न नहीं है। जब कोई मनुष्य भगवान की इच्छा के साथ पूरा तालमेल बनाए रखता है, भगवान की इच्छा के साथ पूरा, भगवान की दो चार इच्छा बताइए, बताइए, कोट कीजिए, कोट कीजिए, बहुत अच्छा, और पूरा बोलो, हाँ प्रतिज्ञा, बहुत अच्छा, एक इच्छा, हाँ बहुत अच्छा, बोलिए बोलिए, हाँ और बोलिए, हाँ भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हिलजार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार, इच्छा है ना ये सब भगवान का। तो क्या बोल रहे हैं कि भगवान की इच्छा के साथ तालमेल बनाए रखता है, समझ गए? दिस इज कॉल्ड प्यूरिटी। व्हाट इज प्यूरिटी? प्यूरिटी प्यूरिटी करते, क्या प्यूरिटी है? ऐसा बताया जाता है कि जिस समय युधिष्ठिर महाराज ने कृष्णा को नो बोला, समझ गए, यद्यपि वो सही बोल रहे थे, नहीं मैं झूठ कैसे बोल सकता, समझ गए ना? कृष्णा है, साक्षात भगवान है। युधिष्ठिर महाराज ऐसे व्यक्ति थे ना, उनका रथ कभी जमीन टच नहीं किया था, ही वॉज ऑन, मतलब यहाँ पे धरती पे रहते हुए वो देव तुल्य थे। देवता मानो में यही अंतर था कि आदमी के पाप होता है, वो ही वॉज सिनलेस, परफेक्टली सिनलेस। जैसे ही उन्होंने कृष्णा को नो बोला ना,
उनका रथ जो है वो ऐसा मैंने सुना है, बट आई डोंट नो अपना इस्कॉन का तो महाभारत है नहीं, बट महाभारत में हर्ड फ्रॉम सम डिवोटीज है ना। तो सो और हाँ, एक प्रभुपाद भी बोलते हैं है ना एक एक, एक लेक्चर में कि इसीलिए उन्होंने कृष्णा को नो बोला ना, इसके लिए उनको नरक का दर्शन करना पड़ा, समझ गए ना। ऑफकोर्स भगवान अपने उनसे बहुत प्रेम करते थे, उनको उन्होंने तुरंत उसको करेक्ट करके जो है वो और जो भी उसको वहीं पे रेक्टिफाई कर दिया। भक्त लोग अगर गलती भी करते हैं ना, भगवान उनसे इतना प्रेम करते, जो भगवान का अनन्य भक्त होता है ना उसको भगवान तुरंत दंड दे देते हैं इमीडिएटली है ना, ताकि उसको बाद में जो है वो दंड प्लस उसका इंटरेस्ट नहीं चुकाना पड़े, इमीडिएटली ही करेक्ट्स। सो दिस इज वेरी, अगर कृष्णा का कृपा है तो तो वही बता रहे हैं कि जो है वो, और प्रमाणिक ब्राह्मणों तथा वैष्णवों द्वारा निर्देशित होता है। तो पहला क्या है, भगवान की इच्छा के साथ तालमेल बनाए रखता है। दूसरा, बोनाफाइड बोनाफाइड ब्राह्मणों और वैष्णवों के द्वारा जो है वो निर्देशित होता है, ये डायरेक्टेड है ना, उस डायरेक्शन लेता है अपने जीवन में है ना। एंड थर्ड, धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करता है, तब रक्षा होगी। ये तीन चीज करेंगे तो रक्षा होगी, खुद से डिसीजन नहीं लेना चाहिए, आप समझ गए ना। इसीलिए हमको, इसलिए आप देखो इस्कॉन में एक व्यवस्था है ना, जिसके माध्यम से हर व्यक्ति जो है वो गाइडेंस ले सकता है कि नहीं। तो ये वैष्णव है ना, और इतने सारे साधु संत, तो पूछना चाहिए, विचार करना चाहिए, अपने मन पे ज़्यादा रिले नहीं करना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए आपका क्या। नरोत्तम दास ठाकुर क्या बताते हैं, गुरु साधु वाक्य गुरु साधु शास्त्र वाक्य चित्ते करिया के, सबका जो है वो लेना चाहिए ओपिनियन है ना, वो क्या कर रहा हूँ मैं, ये कर रहा हूँ सही हूँ गलत हूँ क्या कर रहा हूँ, है कि नहीं, अदरवाइज यू कैन नॉट है ना अंडरस्टैंड टू। और इतना करते हुए भी अगर आप धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करते हैं तो जाके आपको 100% प्रोटेक्शन मिलेगा। भगवान का विल के साथ में होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, नियमों का पालन करना, नहीं तो माया डिक्टेट करेगी है ना। माया विल सी व्हाई दिस रास्कल इज हियर इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, लेट मी आउट हिम, है कि नहीं, उसको किसी तरह से भ्रम में डाल के ये करके, दैट इज व्हाई सी सो मेनी डिवोटीज आर कमिंग इन आवर बेस बट दे कैन नॉट स्टे, वो खुद ही चले जाते हैं, आप समझ गए ना। क्यों, क्योंकि वो नियम में पक्के नहीं होते। इसीलिए प्रभुपाद ने भी कुछ स्टैंडर्ड सेट किया कि जब तक वो लोग नियम में पक्के नहीं होते ना, वी शुड नॉट ब्रिंग देम इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, नहीं तो उधर ना बहुत दिक्कत हो जाएगा रहना। इसलिए आप देखो इतने सारे लोग जो है वो दे कम इन अवर इस्कॉन, हमारे इस्कॉन में युवा का मूवमेंट है, 50 साल से है ना युवाओं का मूवमेंट है। ऐसा नहीं कि आज युवा ज्वाइन कर रहे हैं और प्रभुपाद के समय में बूढ़े लोग ज्वाइन करते थे क्योंकि प्रभुपाद बूढ़े थे, तो नहीं है ना। प्रभुपाद वॉज द मोस्ट यंग पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड, क्यों, क्योंकि युवा ही युवा को आकर्षित करेगा, सिंपल सी बात है। इसीलिए देखो प्रभुपाद के जितने भी जो प्रभुपाद डिसाइपल्स हैं है ना, हम देखते हैं कितने सब यंग यंग लोग है ना, यंग बॉयज यंग गर्ल्स, है कि नहीं। और उस समय से लेके और अभी तक आप देखो यंग ही यंग दिखते हैं ना, इतने सारे यंग दिखते, उसका रीजन क्या है, है कि नहीं। लेकिन हम ये देखते हैं ऑन द अदर हैंड, खोल उसको, उसका रीजन ये है कि लेकिन इतने सालों से इतने युवा ज्वाइन कर रहे हैं, बट वी डोंट सी कि इतने सारे युवा जो हैं वो पूरी तरह से जो है हमेशा भक्ति कर पाते। रीजन क्या है, वो धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करते या प्रमाणिक वैष्णवों से डायरेक्शन नहीं लेते, समझ गए ना। और क्या है, भगवान की इच्छा के साथ तालमेल नहीं, भाई भगवान ने सबको आदेश दिया है प्रचार करो, किसी का मन है नहीं मैं वृंदावन में बैठ के भजन करूँगा, समझ गया है ना। भगवान ने सबको आदेश दिया है प्रचार करने के लिए, है कि नहीं। इस तरह से और भी कई तरह का चीज़ है कि नहीं, किसी को इच्छा है कि नहीं मैं मतलब थोड़ा भौतिक वो करूँगा, है कि नहीं। तो इस तरह से तो जब तो फिर क्या होगा, हम वी विल बी डिक्टेटेड बाई इल्यूजरी एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, वो हमको क्या है थोड़ा बुद्धि देगी, बहुत ही अच्छा बुद्धि देगी, जिससे हम भगवान को दूर हो जाएंगे। तो उसके अगर ये तीनों चीज़ें कड़ाई से कर रहे हैं तब उसके निराश होने का कोई प्रश्न नहीं, देन यू कैन गो अहेड। अगर ये तीन चीज़ें हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं, भले ही जीवन की परिस्थितियां कितनी ही विषम क्यों ना हो,
इस परंपरा में एक महान सत्ता होने के नाते भीष्म देव पांडव को ये बात समझाना चाहते थे। तो एक श्लोक पर पढ़ लेते हैं, है ना। जहाँ तक मेरी पुत्रवधि कुंती का संबंध है, वो महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर अनेक सारे बच्चों के साथ विधवा हो गई और इस कारण उसने घोर कष्ट सहे। और अब जब तुम लोग बड़े हो गए हो तो वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफ़ी कष्ट उठा रही है। नाउ एक तो उन्होंने जो है वो युधिष्ठिर महाराज के कष्टों को बताया, अगेन टू इन्वोक कंपैशन फॉर हर मदर, है ना, जो कि शी वॉज अनदर वेरी, कुंती महारानी कोई सामान्य नहीं थी, है ना। शी वॉज सक्सेस पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड। कौन थी? सक्सेस पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड, इसका मेंशन पर बात करते हैं, है ना, पर्पस में। तो स्टिल है ना वो बता रहे हैं, और उनको भी पता था, ऐसा नहीं कि जैसे कि इसको ये नहीं समझना चाहिए कि यहाँ पे ना प्रभात बोल रहे हैं कि मतलब वो उनका माँ का जो है वो बारे में बताए ताकि उनको थोड़ा वो आए कि नहीं नहीं अच्छा किया मार दिया, है ना। बट युधिष्ठिर महाराज वॉज नॉट ऑन द फैमिली प्लेटफॉर्म, इसको समझना चाहिए कि आप नहीं, युधिष्ठिर महाराज जानते थे कि मेरी माँ जो है वो कितना, मतलब उसका स्तर कितना ऊँचा है, इसीलिए तो जब उन्होंने बोला है ना कि अच्छा जो भी लाए हो आप सब बांट लो, अदरवाइज हाउ अ लेडी इज गोइंग टू मैरी विथ फाइव पीपल, है कि नहीं। तो उन्होंने उसका आदर किया, कोई भी व्यक्ति किसी का माता पिता या कोई भी बोलेगा, है ना, तो पांच स्त्रियों के साथ, क्योंकि वो जानती थी कि उनका वर्ड्स कभी गलत हुआ ही नहीं कुंती महारानी का, समझ गया ना। शी वॉज सच, तो वही बता रहे कि इतने एलिवेटेड मतलब पर्सनैलिटी होने के बावजूद भी, है ना, है? पहले तो पांडु महाराज का मृत्यु होने के कारण, और उसके बाद जब तुम लोग बड़े हुए तो तुम्हारे कर्मों के कारण वो काफ़ी कष्ट उठा रही है। कुंती देवों के कष्टों पर दुगना सुख प्रकट किया जा रहा है, कम आयु में विधवा हो जाने के कारण और राज परिवार में अपने छोटे बच्चों के पालन पोषण करने में अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ा, और जब उनके बच्चे बड़े हो गए तो उनकी करनी से उन्हें कष्ट उठाना पड़ रहा था, अतः उसके कष्ट जैसे के तैसे बने हुए थे। इसका अर्थ यह हुआ कि विधाता के द्वारा कष्ट झेलना उसके भाग्य में लिखा हुआ था और विचलित हुए बिना उनको सहना पड़ा, है ना। मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर हर व्यक्ति प्रत्येक लोक में मारा फिरता है, जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर उधर ले जाए जाते हैं। तात्पर्य, इस ब्रह्मांड के भीतर सारे अंतरिक्ष में काल का नियंत्रण उसी तरह है जिस प्रकार सारे लोकों में उसका नियंत्रण है। बट ये नहीं कह रहे हैं कि आपने किया, है ना। ऐसे अगर आप यहाँ देखें, वो बोले कि तुम्हारे कर्मों के कारण कष्ट उठा रही हैं, है ना, बट उन्होंने ये नहीं किया, कहा विष्णुदेव ने कि ये सब आप लोगों ने किया है कि नहीं, नहीं। सो इनइविटेबल टाइम, सो जेनरली समटाइम्स व्हाट हैपेन कि हम जो है वो वी कैन सी, जैसे हम, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी संस्था के पार्ट हैं, है ना, हम देखते हैं कुछ बहुत बड़े भक्त हैं, है ना, और उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है या उनका स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ चैलेंज आता है, हमको क्या लगता है, ये देखो इसका फॉल डाउन हो गया है कि नहीं, या देखो ये ऐसा हो गया है ना, वी शुड नॉट सी लाइक दैट, है ना। या इवन समटाइम्स वी सी ग्रेट सन्यासीज, है ना, या इवन हम देखते हैं सौबरी मुनि, है ना, हम पढ़ते हैं भागवतम में भी सौबरी मुनि का पतन हो गया है कि नहीं। नॉर्मल दृष्टिकोण से आप क्या देखोगे, अच्छा देखो इनका पतन हो गया, बट वी डोंट नो, है ना, कि ये इन सब चीज़ों के पीछे जो है वो क्या है, टाइम का इन्फ्लुएंस है कि नहीं। और ऐसा नहीं है बाद में जो है वो, बाद में सौबरी मुनि भगवान के धाम गए, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड, तो इसीलिए द थिंग इज कि वी कैन नॉट क्रिटिसाइज, है ना, पीपल, है ना, और ख़ास करके जो है वो भक्तों को, है ना, डिवोटीज को, है ना, या उसको ब्लेम नहीं कर सकते कि आपके कारण ऐसा हो रहा है, आपके कारण ये हुआ है, कि वी कैन नॉट टू लाइक दैट, क्यों, क्योंकि टाइम का भी है कि नहीं, काल जो है वो बहुत प्रबल है, उसका आपके जीवन में भी इन्फ्लुएंस है
और जैसे आपके जीवन में इन्फ्लुएंस है वैसे सभी भक्तों के जीवन में इन्फ्लुएंस है। जैसे आप कष्ट में हो वैसे सब लोग कष्ट में हैं। तुमको समझना चाहिए थोड़ा, आत्मवत सर्वभूतेषु, है ना। कहते हैं हम लोग एकदम वो हो जाते हैं, मैकेनिकल हो जाते हैं, मशीनरी हो जाते हैं, है ना। जो दूसरे का दर्द नहीं समझ में आता कि अगर मान लीजिए ये भक्त ऐसा कर रहा है क्यों कर रहा होगा, है कि वी शुड बी थोड़ा पर्सनल होना चाहिए, है ना, व्यक्तिगत होना चाहिए कि नहीं ऐसा तो नहीं कि उसके भी बुद्धि दिया है भगवान ने, है कि नहीं। मान लीजिए किसी भक्त को कोई तकलीफ है, वी हैव टू, है ना, इस तरह से। प्रबल काल के कारण हुआ है जिसके वशीभूत होकर हर व्यक्ति प्रत्येक लोक में मारा फिरता है कि नहीं। आप बताइए किस एंगल से आप जस्टिफाई करोगे कि भीष्मदेव ने जो है वो, भीष्मदेव के सामने ये सब हुआ था ना, जो महारानी द्रौपदी को इंसल्ट किया गया था, है कि नहीं। किस एंगल से आप जस्टिफाई करोगे, है कि नहीं। तो इसीलिए दैट इज वाई इट वॉज कृष्णास प्लान, है ना। इसीलिए वो जो युद्ध था महाभारत का युद्ध था भगवान का प्लान था। अर्जुन ने कितना तर्क दिया, नहीं ये मेरे सुपीरियर्स हैं, ये मेरे गुरु हैं, मेरे संबंधी हैं, है कि नहीं, मैं इनको नहीं मार सकता हूँ। शास्त्रों का रेफरेंस दिया है ना, इंटायर फर्स्ट चैप्टर भगवद गीता बेस्ड ऑन व्हाट, ये पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर। और ऐसा तो नहीं कि अर्जुन इलॉजिकल बात बोल रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि ये सब मैंने गुरु परंपरा से सुना है। बट कृष्णा क्या बोले, है ना, अब बात कर रहे हो पंडितों का जैसा, है ना, लेकिन फिर रो क्यों रहे हो है कि नहीं। इफ यू आर सो, है ना, देन व्हाई यू आर लैमेंटिंग। तो इस प्रकार से जो है वो कहने का मतलब कि टाइम जो है वो भीष्मदेव जानते हैं, है ना। अच्छा, भीष्मदेव को इन्फ्लुएंस अफसोस नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो भगवान का रोल जानते हैं, महाजन है ना, इज अ ग्रेट अथॉरिटी, उनको डाउट नहीं है जी। आगे ऑफकोर्स वो बताएंगे सब कुछ, आगे वो भगवान कृष्ण का ही गुणगान करेंगे और फिर सारे धर्मों के विषय में उपदेश देंगे इन अपकमिंग चैप्टर्स, विल सी। तो इसको बस मैं पढ़ देता हूँ सर। इस ब्रह्मांड के भीतर सारे अंतरिक्ष में काल का नियंत्रण उसी तरह है जिस प्रकार सारे लोक में उसका नियंत्रण है। सो इस श्लोक से हम खास करके यही शिक्षा ले सकते हैं कि हमको समझना चाहिए कि वी आर नॉट द डूअर, जस्ट लाइक वी आर नॉट डूअर, जस्ट लाइक एवरी वन इज़ नॉट द डूअर, है कि नहीं। तो हमको किसी का अननेसेसरी गलती पिन करने का ज़रूरत नहीं है। सारे बड़े ग्रह जिसमें सूर्य भी सम्मिलित हैं वायु के बल के द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित हैं जिस प्रकार वायु के वेग से बादल इधर उधर ले जाए जाते हैं। इसी प्रकार अपरिहार्य काल वायु तथा अन्य तत्वों की क्रिया को भी नियंत्रित करने वाला है। अतएव प्रत्येक वस्तु सर्वोपरि काल द्वारा नियंत्रित है जो इस भौतिक जगत के अंदर भगवान का सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि है, टाइम, है ना, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। अतएव युधिष्ठिर को इस काल की अकल्पनीय क्रिया से दुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य जब तक इस भौतिक संसार की स्थितियों में रहता है तब तक उसे काल की क्रिया प्रतिक्रिया को सहना पड़ता है। युधिष्ठिर को यह नहीं सोचना चाहिए था कि उन्होंने पिछले जन्म में पाप किया था जिसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ रहा है। युधिष्ठिर आज इस तरह से सोच रहे होंगे, बड़े से बड़े पुण्यात्मा को भी भौतिक प्रकृति का दशा भोगना पड़ता है, लेकिन पुण्यात्मा भगवान के प्रति श्रद्धावान होता है। जस्ट लाइक हिरण्यकशिपु, उसका भी लाइफ में प्रॉब्लम आया एंड ही बिकम एनिमी ऑफ लॉर्ड विष्णु, है कि नहीं। लेकिन क्या बोले, भगवान के प्रति कोई बात नहीं, वॉट एवर पोजिशन कृष्णा हैज प्लेस, लेट मी सर्व कृष्णा इन दिस सिचुएशन, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि हमेशा चीजें आपके फेवरेबल में ही होंगी, है कि नहीं। वह प्रामाणिक ब्राह्मण तथा धर्मात्मा वैष्णव द्वारा निर्देशित होता है। अगेन दिस प्रिंसिपल इज रिलेटेड, है कि नहीं। सो ब्राह्मणों के द्वारा, प्रामाणिक ब्राह्मणों के द्वारा और धर्मात्मा वैष्णव के द्वारा, है ना, निर्देशित होता है। वी शुड टेक गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट डिवोटीज, सिंपल सी बात, जो उस चीज को कर रहे हैं, आप समझ गए ना। इन तीन पथ प्रदर्शक सिद्धांतों को ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। बताइए तीन पथ प्रदर्शक सिद्धांत क्या है, इतनी बार पढ़ लिए, बताइए व्हाट आर द थ्री प्रिंसिपल, बताओ प्रभु। इतनी बार बोल दिया यार संकीर्तन प्रभु, आप बताइए।
तीन सिद्धांत क्या हैं जिससे कि आप अटैच्ड होकर रहोगे? हमारे जो हम लोग रूपक हैं ना, इसी चीज को रूप गोस्वामी बताते हैं, नाम गाने सदा रुचि है ना, वैष्णव सेवा और जीवे दया, है कि नहीं? बट यहाँ पे जो है उसको आप देखिए, है ना, एक तो कि भगवान को फॉलो करना, भगवान के प्रति श्रद्धावान होना, उनकी इच्छा के हिसाब से कार्य करना, दूसरा क्या, ब्राह्मणों और वैष्णवों के द्वारा निर्देशित करना, है कि नहीं? एंड थर्ड इज धार्मिक नियमों का पालन करना। ऐसा नहीं कि आप सफल हो गए तो आप माला नहीं करेंगे, सुबह नहीं उठेंगे, जस्ट लाइक प्रीवियसली ए डिवोटी यूज टू लिव हियर, यहाँ से कई लोग शहीद होके गए हैं, है ना, तो वो वृंदावन चला गया तो बाद में पता चला, मैं पूछा कि अच्छा वो वहाँ जाके करता क्या, भक्ति उक्ति करता है क्या करता है, तो प्रभु जी वो 8 बजे सो के उठता है, तो माला ही तो करना है कि नहीं, तो 8 बजे सो के उठता है, तो उसने धर्म के नियमों का पालन नहीं किया ना, तो वृंदावन कूद के जाने से क्या होगा, असंख्य है ना, क्योंकि इट इज़ नॉट सो ईजी, है ना, इतना आसान नहीं जो कार्य आप कर रहे हो ना। इवन दिस चैंटिंग ऑफ 16 राउंड, ये आपको सुमेरु पर्वत इतना भारी हो जाएगा अगर आप भक्तों से दूर गए तो। ये इतना आसान नहीं है कि आप नियमों का पालन कर लोगे, 4 नियमों का पालन कर लोगे, है ना, आप माला का जाप कर लोगे, है कि नहीं, आप केवल प्रसाद ही पाओ, नहीं, है ना, जैसे ही हम भगवान का शरण छोड़ते हैं ना, दैट इज वाई नरोत्तम दास ठाकुर सिंह, तदेरा चरण से भी भक्त सनिवास, जनमे जनमे ऐसे ही अभिलाष, है ना। तो 3 सिद्धांत क्या है, फिर से बोलिए, इतनी बार रिपीट हो गया। हाँ हाँ वे बोलेंगे, हाँ, दूसरा जो वैष्णव है प्रमाणिक वैष्णव, उनके उनसे गाइडेंस लेना चाहिए, और धार्मिक सिद्धांतों के हिसाब से ही हमेशा चलना चाहिए। बस तो 3 चीज, हाँ ये 3 चीज सही है, देन गो अहेड, एकदम शेर का तरह गरज के आगे बढ़िए, ज्यादा इधर उधर नहीं देखने का, ठीक है। इसी को जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए, मनुष्य को शाश्वत काल की चालों से विस्तृत नहीं होना चाहिए, शाश्वत है उसको आप हरा भी नहीं पाओगे, है ना, भगवान का सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि है, उसकी चालों से विचलित नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि ब्रह्मांड के महान नियंता ब्रह्मा जी भी काल के वश में हैं। अतः धार्मिक सिद्धांतों के असली पालक होने के बावजूद भी मनुष्य को काल के नियंत्रण होने के कारण क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। वी कैन सी इन द लाइफ ऑफ भीष्मदेव कि ही वाज टोटली, है ना, किस प्रकार से डाले गए, लेकिन भगवान में श्रद्धा इसी बात पे डिपेंड करता है कि ही नेवर डिविएटेड, ना तो उनकी, ऐसा नहीं कि वो केवल उपदेश दे रहे हैं, ना तो उनकी भगवान में श्रद्धा कम हुई, यद्यपि वो भगवान के ऊपर तीर चला रहे थे, उसमें प्रेयर सफर करेंगे ना उसमें आएगा कि उन्होंने जो तीर छोड़ा ना, भगवान का शरीर में जो है वो खून खून हो गया, क्या हो गया, खून खून हो गया, है कि नहीं, भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा कम नहीं हुई, है ना। और दूसरा जो वो धार्मिक नियमों का कड़ाई से पालन करने वाले थे, और वैष्णव का गाइडेंस का तो मैं रेफरेंस नहीं दे सकता, बट ऑफकोर्स भीष्मदेव जो है हमेशा बड़े आचार्यों के से कंसल्ट में रहते थे, है ना, हाँ 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 ऐसा ना, आई डिड नॉट, मुझे ये चीज नहीं पता था, है ना, हाँ किस प्रकार से आकर के विष्णुदेव को गाइड करते हैं, है ना, हाँ तो ये है, जबकि उनको मतलब उन्होंने अपना बाहु बचाने के लिए किया, सो भीष्मा उनका नाम ही था ना, बाहु प्रण को बचाने के लिए उन्होंने अपना लाइफ डेडिकेट किया था, किसके लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे आप लोगों ने अपना लाइफ डेडिकेट किया है भगवान का संदेश का प्रचार करने के लिए, है कि नहीं, कोई तो
अभी तो मैं धनुष नीचे कर दूंगा, ये जो रास्ता था ये भी शायद विष्णुदेव ने सुना है, हाँ 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 ये तो मैं जानता हूँ। नहीं, द पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि यद्यपि भीष्मदेव को सारा चीज़, जैसे एक तरह से देखा जाए तो मतलब जो है वो कोई कह सकते कि भीष्मदेव ने अधर्म का पालन किया, बट भीष्मदेव ने अधर्म का पालन नहीं किया है ना, क्यों? क्योंकि मतलब उन्होंने अपना वाव को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो वाव उन्होंने लिया क्षत्रिय धर्म ना, क्षत्रिय लोग एक प्रण लेते हैं। आई हैव हर्ड इन दिस भक्ति शास्त्री कोर्स कि क्षत्रिय लोग जब मतलब उनको एक ऐसा, जब अपना एजुकेशन पूरा करते हैं ना तो एक वाव लेते हैं, और वो वाव उनको पूरा जन्म जो है वो निभाना होता है। आप समझ गए ना, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी थी, बट अभी समय हो जाएगा तो ऐसे करके, तो वो उन्होंने अपना वाव को प्रोटेक्ट किया, कहने का मतलब कि क्योंकि भी हाँ धर्म का पालन करते तो विष्णु पितामह नरक में जाते, लेकिन इसके बाद भी मतलब अगर वो अधर्मी थे लेकिन उसके बाद भी वो भगवत धाम गए, हाँ है ना, और भगवान की सेवा, उसके बाद भी वो भगवत भक्ति मतलब हाँ। उनका भगवत भक्ति कम नहीं हुआ, हाँ। भक्ति बढ़ गया, भगवान की सेवा मिली। चाहे सी बात है कि वो महाजन का रूप में है कि नहीं, अधर्म बोल रहे हैं, अधर्म नहीं, नहीं आप कम सुने, बैठिए ठीक है, वैसा नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। और कोई प्रश्न है? ठीक है, यस हाँ, क्या है ऑनलाइन? हाँ, अगर आप किसी बोनाफाइड है ना भगवान का कोई प्रमाणिक प्रतिनिधि है ना, और उससे आप गाइडेंस लोगे है ना, जो कि उस पर उस परिस्थिति में गाइड करने में जो दक्ष है ना, ऐसा व्यक्ति से आप सलाह लेंगे ना, तो वो आपको बताएगा कि कैसा, इस ऐसा चीज़ नहीं है कि है ना कि मतलब इसको एक वर्ड्स में बताया जाए, हाँ। लेकिन अगर आप फिर भी आप इन बेस्ट है कि आपको भक्तों से आके गाइडेंस लेना चाहिए है ना, कि हम मैं भगवान का जो है अपने जीवन में कैसे, अपने जीवन में कैसे केंद्र में भगवान को डालूँ। लेकिन अगर आप समहो भक्तों का एसोसिएशन नहीं अवेलेबल है, सो यू गेट द श्रील प्रभुपाद बुक्स है ना, एंड यू चैंट द होली नेम, और ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स आप शुरू कीजिए। पॉइंट कौन भक्त ये प्रश्न पूछा है कि नहीं, एकदम नया भक्त है तो उसको ये करना चाहिए, और बेस्ट है किसी भक्त से गाइडेंस लेना चाहिए है ना, तो वो बताएंगे, क्योंकि द पॉइंट इज क्या परिस्थिति है ना, उसके हिसाब से बताया जा सकता है ना। लेकिन अगर आप शास्त्रों के ये इन तीन सिद्धांतों का पालन करोगे तो आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे है ना। लेकिन द पॉइंट इज कि आपको उसके लिए यू हैव टू टेक है ना गाइडेंस फ्रॉम सम एक्सपीरियंस डिवोटी है ना, इसलिए शास्त्रों में जो है वो शिक्षा का, आध्यात्मिक शिक्षा का महत्व दिया गया है। बट अभी क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है, तो कोई व्यक्ति है उसके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, किसी को पड़ोस में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, तो फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आप सकारात्मक कैसे रहोगे अगर आप इसको अपने जीवन में नहीं लेकर आओगे तो, है ना। सो यू हैव टू बी इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, वन हु इज हैप्पी इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज विल ऑलवेज है ना बी पॉजिटिव, वो हमेशा सकारात्मक रहेगा है ना, अगर हम भक्तों के संग में हैं तो, ठीक है। हाँ पूछिए, हाँ जैसे विष्णु पितामह तो भगवान श्री कृष्ण थे, उनके मतलब भक्त थे, हाँ विष्णु पितामह, तो उन्होंने किस प्रकार उनसे युद्ध किया, जैसे कि वो तो भगवान है जानते हैं, फिर भी जैसे कोई जानते हैं जब मैं आपको जानता हूँ गुरुदेव, उन्होंने किस प्रकार आपका उत्तर हुआ, फिर भी वो किया, जैसे इसको बताया गया है ना। आप देखो जैसे कई बार जो है वो जो छोटा बच्चा जो है वो खेलना चाहता है ना, खुद छोटा बच्चा खेलना चाहता है तो मतलब ऐसा कोई तो उसके पिताजी क्या बन जाते हैं उसके साथ, उसके खेल में पार्टिसिपेट करते हैं ना। मान लो जैसे ऐसा खेल खेल रहा है ना,
तो उसके वो भी गाय बन जाता है, उसके पिताजी भी गाय बनाते, दोनों एक दूसरे से सर लड़ाते, अब समझ गए ना। तो बट ये उसका पिताजी गाय क्यों बन गए, सिंपली टू प्लीज हिज चाइल्ड, अब समझ गए ना। ऐसा होता है ना कि वो बच्चे बचपन में जो है वो लड़ते भी हैं मजे के लिए, है ना, या भिशुम भिशुम ऐसा आपने देखा है कभी, है वो उसके पिताजी जो है वो उसके घुस जाते हैं ना अपने बच्चों के साथ, भिशुम भिशुम ढुम आ, ऐसा आपने देखा है कभी, हैव यू सीन, है ना। सो व्हाई द फादर है ना कम्स इन द बैटल फील्ड ऑफ हिज चिल्ड्रेन, केवल उसको प्रसन्न करने के लिए, सिंपली दैट वाज अ काइंड ऑफ एक्सचेंज ऑफ रसा इन द वीर्य रस। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि वो तीर उसी तरह से भगवान को आस्वादनीय है जैसे कोई प्रेमिका किसी प्रेमी के ऊपर फूल फेंकती है ना, क्या फेंकती है, फूल फेंकती है तो उसको अच्छा लगता है, वैसा ही भगवान को। इसलिए भगवान का शरीर में नस नाड़ी थोड़े न है और खून थोड़े न है, आप समझिए इसको ऐसे नहीं, ये तो आप उपनिषदों में पढ़ो उसमें बताया गया है ना कि भगवान का शरीर सिराओं से विहीन है, दिव्य शरीर है। तो ऐसा नहीं कि उनको कष्ट हो रहा था, उनको मजा आ रहा था, उनको आनंद देने के लिए भगवान वीर रस का आस्वादन करना चाहते थे, दैट इज वाई भीष्म फाउट विथ हिम। ये एक चीज एक एंगल है, लेकिन ये एक एंगल है, लेकिन दूसरा एंगल आप ऐसे भी समझ सकते थे, भीष्मदेव जानते थे ना कि मैं भगवान की इच्छा से इस परिस्थिति में डाला गया हूँ कि मेरे को भगवान के अगेंस्ट में ही खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो कितना समय लगता है इस पार्टी से उस पार्टी में जाने में, कितना समय लगता है, है? बहुत भारी काम है क्या, नहीं। विष्णुदेव जानते थे कि आई हैव बीन प्लेस्ड इन दिस सिचुएशन बाय द विल ऑफ लॉर्ड, लेकिन एज लॉन्ग एज मैं धार्मिक नियमों का पालन कर रहा हूँ, भगवान की इच्छा के अनुरूप कार्य कर रहा हूँ और वैष्णवों द्वारा गाइडेड हूँ, हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये चीज विष्णुदेव जानते, जो जानते तो वही बता रहे हैं, तो इसलिए वो लड़े, है ना। ऐसी परिस्थिति में जब दोनों तरफ मतलब आप देखो भीष्म पितामह अकेले ऐसे योद्धा थे जो पूरे युद्ध को खत्म कर सकते थे, मतलब एक दिन में नहीं लगता, है ना, भीष्म पितामह पूरे युद्ध को एक बार में खत्म कर सकते थे, लेकिन सारे सुरमा कौरवों के पक्ष में होने के बाद भी बिकॉज वह धर्म का पक्ष था, है ना, और वहां पर सिर्फ भगवान खड़े थे तो कोई भी योद्धा काम नहीं आया और एक एक करके सारे सुरमा खड़े थे। भगवान ये दिखाना चाहते, सही बात है कि अगर कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो ना, अगर वो अधर्म का पक्ष में रहेगा ना, वो जीतने नहीं दूंगा उसको। तो मतलब ये एग्जांपल हम लोगों के लिए था, वो ऐसा नहीं था आपको नहीं पता था या उससे कोई दिक्कत की, किसी कोई दिक्कत नहीं थी, तो हम लोगों को पास्ट कि हमको ना अधर्म का पक्ष में नहीं खड़ा होना, चाहे कुछ भी हो परिस्थिति से पे मत जाइए, आप समझ गए ना। इसलिए पूरा शास्त्र में आपको यही शिक्षा मिलेगा, आप समझेंगे ना, आप देखेंगे तो है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता कि है ना मोरल प्रिंसिपल्स क्या है, मोरल कोड्स क्या है कि नहीं। मोरल प्रिंसिपल तो ये भी है ये कि युधिष्ठिर महाराज को जुआ नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन यस बताने के लिए जुआ खेलने से क्या क्या आपका हानि हो सकता है। अब युधिष्ठिर महाराज ने भी एक वाव लिया हुआ था, जब वो बता रहा हूँ ना कि वो जुआ कोई उनको इन्वाइट करेगा तो वो मना नहीं करेंगे, समझ गया है ना। और वो तो और छोड़िए, अर्जुन ने भी एक वाव लिया हुआ था कि कोई ना आई थिंक मैं भूल रहा हूँ सवेरी मतलब वो उससे ना मैं सुना था, मैं भक्ति शास्त्री में ही सुना था, चेतन चरण चरण प्रवाद टेलिंग है ना कि देयर वाज अ ग्रेट फाइट बिटवीन अर्जुन एंड युधिष्ठिर महाराज, कि ये युद्ध शुरू हो गया क्योंकि उन्होंने वाव लिया हुआ था, बट आई फॉरगॉट दैट वाव कि एनीवे मैं फिर से सुनूंगा तो बताऊंगा कलयुग का बुद्धि है, तो इसलिए वो चीज़ है ना, ऐसा है, इसको ऐसे समझना ठीक है। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जगत गुरु शील प्रभुपाद की।